मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें SkyMet मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, SkyMet वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अब जो इंतजार था बर्फबारी का वो लगभग समाप्त हो चुका है। आपको पता है कि आज 18 फरवरी है और आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के कुछ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। जम्मू में बारिश हो रही है अभी इस समय और आज ये जो 18 फरवरी ये 3 बजे के आसपास में वीडियो बना रहा हूँ, ये दोपहर के 3 बजे, तो और श्रीनगर में भी बारिश और बर्फबारी दिखाई दे रही है और आसपास के इलाकों में भी वेदर एक्टिविटी चल रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है पहाड़ों पर, इसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो कह सकते, और एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर दिखाई दे रहा है। रफ रेखा है जो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जा रही है और एक मध्य प्रदेश तक आ रही है। एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अरब सागर में है, एक बंगाल की खाड़ी में है। अब ये जो सिनारियो चेंज किस तरह से होने वाला है, ये आप देखिए कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आ जाएगा, पहले वाला हट जाएगा और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पाकिस्तान पर था वो अब उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के ऊपर आ जाएगा और ट्रफ रेखा इस तरह से राजस्थान के ऊपर जाएगी और एक हल्की ट्रफ रेखा यहाँ पर आपको दिखेगी मध्य प्रदेश से विदर्भ तक, और एक एंटी साइक्लोन है यानी विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी पर रहेगा। तो ये जो सारे वेदर पैरामीटर हैं इनके प्रभाव से क्या होने वाला है इस पर बात करेंगे। और इस समय की सैटेलाइट पिक्चर आप देखिए तो बादलों का बहुत बड़ा जमावड़ा आपने तमाम जगह पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा ये काबुल से लेकर के आप देख रहे होंगे, पूरा अफगानिस्तान से लेकर के ये पूरा जो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मतलब पूरे जो इलाके हैं ये सारे बहुत ज़्यादा घने बादल छाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं लेह है, श्रीनगर है, ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर भी ये बादल छाए हुए हैं। अब ये बादल जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों में, लेकिन ये जो बादल हैं जो प्लेन्स में हैं यानी कि मैदानी क्षेत्रों में हैं ये मीडियम और हाई क्लाउड हैं, इनसे बारिश नहीं होती है। तो बारिश की गतिविधियां कल शुरू होंगी और ये जो वेदर एक्टिविटी है वो आपको दिखाई देगी, पहले तो पंजाब और हरियाणा में शुरू होगी, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर था 17 फरवरी को वो किस तरह से रहे। तो आपने देखा होगा, पहले मैंने दिखाया था कि लोअर 30s में और मिड 30s में यहाँ पर टेम्परेचर थे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में, उत्तरी और मध्य राजस्थान में, लेकिन अब 30 डिग्री और उसके ऊपर पहुंच गए हैं। काफी ज्यादा दिन गर्म होने लग गया है और आप देखेंगे कि जो यहाँ पर 31-32 डिग्री के आसपास जो गुजरात में तापमान थे वो 35-36 और 37 डिग्री तक, यानी 33 से 37 डिग्री तक, 33 से 37 डिग्री तक, यानी बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुजरात में हो चुकी है। अब यहाँ पर बिल्कुल भी कोई ठंडक आपको दिखाई नहीं देने वाली है। उसी तरह से आप देखिए ये मध्य प्रदेश के कई इलाके जो 30 डिग्री के ऊपर पहुंचे हुए हैं और पूरा जो दक्षिण भारत है, महाराष्ट्र से लेकर के आपका तेलंगाना वगैरह, ये पूरा जो दक्षिण भारत है महाराष्ट्र समेत और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे इलाके भी काफी ज्यादा गर्म हो चुके हैं। तो और मिनिमम टेम्परेचर भी अब डबल डिजिट में आप देखेंगे ज्यादातर इलाके में, बहुत कम इलाके हैं जहां पर सिंगल डिजिट में ये टेम्परेचर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अब जो वेदर एक्टिविटी किस तरह से रहने वाली है इस पर हम देखते हैं कि कहां कहां जो है मौसम की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली है। तो पंजाब से अगर शुरुआत करते हैं तो पंजाब में 19 तारीख को काफी अच्छी बारिश होगी, पंजाब के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। 20 तारीख को बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, फजलिका, मोगा और फरीदकोट, फिरोजपुर, ये जो इलाके हैं, बठिंडा वगैरह, यहाँ से बारिश लगभग हट जाएगी 20 तारीख को, 19 तारीख को सभी जगह पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। 21 तारीख को एक बार फिर बारिश थोड़ी सी बढ़ेगी लेकिन इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होने वाली है। 21 या 22 तारीख तक यहाँ पर बारिश रहेगी, 22 में काफी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी 19 तारीख को ज्यादा बारिश होगी, 21 तारीख को फिर से अच्छी बारिश हो सकती है, 20 तारीख को बारिश में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी और केवल जो चंडीगढ़, पंचकूला, यमुनानगर, अम्बाला और कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, इन इलाकों में बारिश दिखाई देगी, पश्चिमी जिलों में बारिश कम हो जाएगी। दिल्ली में भी आज 18 तारीख है, 19, 20 और 21 तारीख को बारिश की संभावना है। बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी, पैची रेन होगी लेकिन फिर भी जो दिन के तापमान है नीचे आ जाएंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर कम हो जाएंगे लेकिन मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से अब बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जो बारिश है वो
19 तारीख को सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, संभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, कासगंज, एटा, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और ये कन्नौज वगैरह, इटावाद वगैरह तक दिखाई देगी। उसके बाद जो बारिश की गतिविधियाँ हैं 20 तारीख को वो लखनऊ, बाराबंकी तक, सीतापुर, बहराइच, कानपुर देहात, उन्नाव, हमीरपुर, जालौन तक आ जाएगी। और 21 तारीख को जो बारिश है वो पूरे उत्तर प्रदेश में कवर हो जाएगी, पूरा उत्तर प्रदेश कवर हो जाएगा। उस समय बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, खुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, मऊ, ये सारे इलाके कवर हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र, ये जो इलाके हैं, या हो सकता है कि वाराणसी तक बारिश न दिखाई दे और बाकी इलाकों में बारिश रह सकती है। ये 22 तारीख की बात है और 23 तारीख होते होते मौसम साफ हो जाएगा। अगर और आगे चलते हैं तो यहाँ पर भी 21 और 22 तारीख को बिहार के कई इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन फिर भी बांका, जमुई, लखीसराय, नवादा वगैरह, गया वगैरह में चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। बाकी जितना भी बिहार का इलाका है उसमें बारिश की संभावना बन रही है, हल्की होगी, कुछ इलाकों में मॉडरेट शावर्स होंगे, बहुत ज़्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है। लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ कुछ इलाकों में पहाड़ों पर ओले भी गिर सकते हैं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ये इस तरह का वेदर यहाँ पर रहने वाला है। अगर ये हम बात करें इसकी अपना राजस्थान की, तो राजस्थान में जो बारिश है वो 19 तारीख को एक इस तरह से ट्रफ टाइप आएगी, तो अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, ये जो इलाके हैं, यानी इस तरह से वेदर एक्टिविटी हो सकती है। बाकी ऐसा लग रहा है कि बीकानेर और जैसलमेर के पश्चिमी इलाके, गंगानगर वगैरह में चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। और उसी तरह से सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, ये इलाके भी सूखे रह सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। यानी कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है 19 तारीख को। 20 तारीख होते होते हो सकता है कि झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इन इलाकों में बारिश हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें राजस्थान वालों को नहीं करनी चाहिए। यानी पैची रेन कुछ इलाकों में देखने को मिलेगी और आपको मालूम है कि 22 तारीख होते होते राजस्थान का मौसम साफ होने लग जाएगा और वेदर एक्टिविटी यहाँ से हट जाएगी। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जैसे मैंने ये बना रखा है, ये ऊपर के जो इलाके हैं मध्य प्रदेश के, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर में, बाकी इलाके साफ रहेंगे, यहाँ पर मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का मौसम अब गर्म होने लग गया है, यहाँ पर मौसमी गतिविधि नहीं है, बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। झारखंड में भी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है, पूरा झारखंड शुष्क रहेगा, हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं, मीडियम और हाई क्लाउड रहेंगे जो बारिश नहीं रहेंगे। और अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी अब टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों बढ़ने लगे हैं, यहाँ पर भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। गुजरात के बारे में मैंने बता ही दिया कि 33 से 37 डिग्री तक का जो मैक्सिमम टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, यानी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, दिन बहुत ज़्यादा गर्म है और सुबह के तापमान भी सामान्य से ऊपर ही बने रहेंगे, यहाँ पर अब कोई भी बारिश की उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है। उसी तरह से महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके गर्म हो चुके हैं, 30 डिग्री से ऊपर तो सभी इलाके हैं और कहीं पर भी कोई मौसमी गतिविधि यहाँ पर नहीं होने वाली है, मौसम शुष्क और गर्म बना रहने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के उत्तरी जो जिले हैं वो सारे बारिश देखेंगे, गंगे पश्चिम बंगाल सूखा रहने वाला है। पूर्वोत्तर राज्यों में अब अगले, यानी कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जब रेमनेंट्स यानी अवशेष जब आगे पहुंचेंगे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है 21 तारीख से लेकर के 22 और 23 तारीख के बीच में अरुणाचल प्रदेश, भूटान और सिक्किम, ये जो इलाके हैं यहाँ पर स्नोफॉल होगा, अच्छा स्नोफॉल दिखाई देगा, बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। त्रिपुरा और जो मणिपुर, मिजोरम है, यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम नजर आ रही है। और उसी तरह से अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में जो तेलंगाना है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये सारे जिले जो हैं पूरी तरह शुष्क रहने वाले हैं अगले 4-5 दिनों तक, यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कोई मौसमी गतिविधि नजर नहीं आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।